अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का थर्ड लेक्चर जो है वो लेने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी नोटबुक पर दो क्वेश्चंस किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। नोटबुक को आपने वैसे ही रेडी करना है, यूनिट नंबर और नेम राइट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने क्लास वर्क राइट करना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? व्हाट वुड हैपन टू द बॉडी इफ़ इट डिड नॉट हैव अ स्केलेटन। दोबारा क्वेश्चन राइट करें, रीड करें। व्हाट वुड हैपन टू द बॉडी इफ इट डिड नॉट हैव अ स्केलेटन। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी बॉडी को क्या होगा अगर आपकी बॉडी में स्केलेटन ना हो तो क्या होगा। जैसे हमने रीडिंग में भी पढ़ा था कि स्केलेटन जो है वो हमें प्रॉपर शेप देता है, हम जब मूव करते हैं तो हमारा स्केलेटन हमें हेल्प करता है हर एक चीज़ में। तो अगर आपकी बॉडी में स्केलेटन नहीं होगा तो क्या होगा कि आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो हम आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर आपने राइट करना है, इफ़ देयर इज नो स्केलेटन इन आवर बॉडी then we cannot do anything। ठीक है, दोबारा रीड करें। if there is no skeleton in our body then we cannot do anything। एक दफ़ा फिर सब बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे। if there is no skeleton in our body then we cannot do anything। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट वर्क इज डन बाय दीज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। यहाँ पे हमें कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं और उनका वर्क हमसे पूछा गया है कि ये कौन सा काम करते हैं, क्या काम करते हैं। रीडिंग में हम इसे रिलेटेड पढ़ चुके हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है हार्ट। हार्ट क्या काम करता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा हार्ट ऐसे है जैसे कि एक स्पंज होता है, पूरी बॉडी से गंदा ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में आता है और फिर हमारा हार्ट जो है इसको साफ़ करके पूरी बॉडी में पंप कर देता है। ठीक है, तो हार्ट का फंक्शन हम राइट करेंगे, पंप्स ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। दोबारा रीड करें, पंप्स ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये हमारे हार्ट का फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन है ब्रेन। ब्रेन हमारा क्या काम करता है, हम अपने ब्रेन से थिंक करते हैं, हमारा ब्रेन थिंकिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है लंग्स। लंग्स का पेयर हमारे पास मौजूद होते हैं और ये क्या काम करता है, ब्रीथिंग। क्या काम करता है, ब्रीथिंग। उसके बाद लास्ट है हमारे पास स्टमक। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक क्या काम करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो स्टमक का काम है डाइजेशन। सब मेरे साथ रीड करें, डाइजेशन। एक दफ़ा दोबारा देख लें, हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ब्रेन थिंकिंग, लंग्स ब्रीथिंग, स्टमक डाइजेशन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नेम द 5 सेंसेस। 5 सेंसेस के आपने नेम बताने हैं। यही क्वेश्चन आप लोग क्लास 1 में भी पढ़ चुके हैं, सब बच्चों को आते हैं ना 5 सेंसेस। आंसर देखते हैं, 5 सेंसेस आर साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। दोबारा से रीड करें, 5 सेंसेस आर साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। एक दफ़ा फिर रीड करें, 5 सेंसेस आर साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ठीक है, सब बच्चों ने विद स्पेल ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स। यानी ये वाले जो सेंसेस आप जिस जिस ऑर्गन से करते हैं, अब आपने उन ऑर्गन्स के नेम राइट करने हैं। देखते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स आर कौन कौन से हैं। अब फर्स्ट हमारे पास जो सेंस था वो साइट था। देखते आप किस ऑर्गन से हैं, आई से, तो आपने उसी तरह लिखते जाना है। साइट के लिए हमारा कौन सा ऑर्गन यूज़ हो रहा है, आईज। हेयरिंग के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ हो रहा है, ईयर। स्मेल के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ हो रहा है, नोज। टेस्ट के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ हो रहा है, टंग। और टच के लिए हमारा कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है, स्किन। ठीक है, इस तरह हमारी ये 5 सेंस ऑर्गन्स बन चुके हैं। अब हम अपना आंसर देखते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। दोबारा से देखें,
Five sense organs are eyes, ear, nose, tongue and skin. ठीक है, आपने इसको जो है विद स्पेलिंग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेने हैं और फिर अपने पेरेंट्स को सुनाने भी हैं। अब हम आते हैं अपनी बुक की एक्सरसाइज की तरफ। बुक में हमने तीन ब्लैंक्स जो हैं उस दिन कर ली थी लास्ट लेक्चर में। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ ब्लैंक की तरफ। विच इज़ द ऑड वन आउट। आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन हैं। आपने मैथ में इवन और ऑड नंबर पढ़ चुके हैं, तो इनमें से आपने देखना है कि कौन सा ऑड नंबर का ऑर्गन हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट है हिप बोन, सेकंड है रिब, थर्ड है जॉ बोन और लास्ट हमारे पास है स्किन। तो इसमें से जो ऑड है वो हमारी स्किन है, इसलिए हमने स्किन के ऊपर टिक का मार्क कर लिया है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ यूज टू ब्रीथ विद। यानी ये जो चार ऑप्शंस आपको गिवन हैं, इन चारों में से कौन सा आपका बॉडी ऑर्गन ऐसा है जिससे आप ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेने में कौन सा ऑर्गन आपको हेल्प करता है। फर्स्ट है ब्रेन। क्या ब्रेन हमें ब्रीथिंग में हेल्प करता है? नो। हार्ट, हार्ट का फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। इसका फंक्शन क्या था? ये ब्लड को पंप करता है, तो ब्रीथिंग में ये भी हमारी हेल्प नहीं करता। उसके बाद लंग्स है। लंग्स का फंक्शन हमने रीडिंग में भी पढ़ा था। यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, यू यूज़ देम टू ब्रीथ एयर इन एंड आउट। तो इसका मतलब है कि लंग्स जो हैं वो हमें ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, इस वजह से हमने लंग्स को टिक कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी जॉइंट्स आर देयर इन दीज बॉडी पार्ट्स। आपको यहाँ पर बॉडी पार्ट्स गिवन हैं, आपने अपने जॉइंट काउंट करने हैं और आगे राइट करने हैं। Use the pictures in this unit and your own body to find the answers. Answer find करने के लिए आप अपनी own body को भी use कर सकते हैं और जो आपको यहाँ पर pictures given है उसको भी देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी body को देखें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे first आपके middle finger, अपने hand को खोलें और आपकी जो middle finger है आपने उसमें अपने joints count करने हैं। तो ये देख लें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1, 2 और 3 joints हमारी middle finger के अंदर मौजूद है, इस वजह से हमने 3 write कर लिया। थंब में देखें, थंब को आप दो जगह से फोल्ड कर सकते हैं, इस वजह से थंब में आपके दो जॉइंट्स प्रेजेंट है। और आर्म को देखें तो आर्म में भी हमारे दो ही जॉइंट्स हैं। ठीक है, लास्ट है हमारे पास विच बोन्स प्रोटेक्ट द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। यहाँ पर ऑर्गन्स के नेम गिवन है और आपने बताना है कि इसकी जो प्रोटेक्शन है वो कौन कर रहा है। तो देखें, हार्ट और लंग, इनकी प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने हमारे इसके इर्द गिर्द जो है वो एक पिंजरा टाइप बना दिया है, केक बना दिया है, जिसमें हमारा हार्ट और लंग्स जो है वो बिल्कुल महफूज हो गए, उसकी प्रोटेक्शन हो गई है। तो वो जो केक है उसका नेम क्या है? रिब्स। हमने लास्ट टाइम ये जो पिछला पेज था इसमें हमने देखा था, ये देखें यहाँ पर आपको रिब जो है वो नज़र आ रही हैं। इन रिब्स के अंदर जो है वो हमारा हार्ट और हमारा लंग्स जो है वो बिल्कुल सेव हुए हुए हैं। ठीक है, तो हार्ट और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारे रिब्स। उसके बाद है नर्व्स इन द स्पाइन। स्पाइन मैंने आपको बताया था, हमारी पिछली बैक साइड पर जो हमारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं उनको स्पाइन कहते हैं। तो उसके अंदर छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है? हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन बोन्स होती हैं वही इसको प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद ब्रेन है, ब्रेन की प्रोटेक्शन हमारी कौन करता है? स्कल। ये तीनों आपने आगे राइट कर लेना है। ये हमारा आज का लेक्चर था। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है नेक्स्ट पेज पर, उसको आप कोशिश करें खुद से करने की, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसके बारे में क्लू दूंगी, तो फिर आप लोग उसको इससे टैली कर लीजिएगा। ओके, अच्छे तरीके से अपना वर्क करना है, नोटबुक अच्छे तरीके से मेंटेन करनी है, राइटिंग सब बच्चों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।